सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश के तट से दूर एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की टिप्पणियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीप में हित हैं, जो उन्होंने सुझाव दिया कि यह उनकी सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों का एक कारक था। इन बयानों ने द्वीप के ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व के बारे में चर्चा शुरू कर दी है, खासकर चीन और भारत जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ बांग्लादेश के संबंधों के संदर्भ में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक महत्व वाला सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे नारियल के पेड़ों की प्रचुरता के कारण स्थानीय रूप से नारिकेल जिंजरा के नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में कॉक्स बाजार टेक्नोफ प्रायद्वीप से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। ये द्वीप लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बांग्लादेश में एकमात्र मूंगा द्वीप है जो इसे एक यूनिक इकोलॉजिकल और पर्यटन स्थल बनाता है। ऐतिहासिक रूप से सेंट मार्टिन एक शांत शांतिपूर्ण मछली पकड़ने वाला समुदाय रहा है, जिसमें बांग्लादेशियों की एक छोटी आबादी रहती है। हालांकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर इसकी स्थिति ने इसे हमेशा क्षेत्रीय शक्तियों के लिए रुचि का विषय बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे समुद्री सीमाएं और संसाधन अधिकार अधिक विवादात्मक होते गए, द्वीप का महत्व इसके आकार से अधिक बढ़ गया है। जियोग्राफिक सिग्निफिकेंस और रक्षा महत्व सेंट मार्टिन द्वीप का एक रणनीतिक स्थान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीति में अत्यधिक महत्व रखता है। ये द्वीप महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसे बंगाल की खाड़ी में समुद्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है। इसके अतिरिक्त द्वीप की हिंद महासागर से निकटता का मतलब है कि ये नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी के रूप में काम कर सकता है। द्वीप का रक्षा महत्व एक सैन्य चौकी के रूप में इसकी क्षमता में निहित है। सेंट मार्टिन पर नियंत्रण किसी भी शक्ति को बंगाल की खाड़ी और व्यापक हिंद महासागर में नौसैनिक अभियानों की निगरानी करने और संभावित रूप से बाधित करने की क्षमता प्रदान करेगा। यह भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ी क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत और चीन पर असर। इस द्वीप का रणनीतिक महत्व भारत और चीन के लिए खत्म नहीं हुआ है। दोनों के इस क्षेत्र में निहित स्वार्थ हैं। भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बंगाल की खाड़ी को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है। सेंट मार्टिन द्वीप पर किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति को इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री प्रभुत्व के लिए सीधा खतरा माना जा सकता है। भारत ने अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए पहले से ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश किया है, जो भौगोलिक रूप से सेंट मार्टिन के करीब है। दूसरी ओर चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और अपने स्टिंग्स ऑफ पर्ल रणनीति के माध्यम से हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिसमें हिंद महासागर में सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं का एक नेटवर्क विकसित करना शामिल है। सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण या प्रभाव चीन को बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने में मदद करके उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, जिससे क्षेत्र में शक्ति प्रोजेक्ट करने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सेंट मार्टिन द्वीप विवाद। सेंट मार्टिन द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका की रुचि के बारे में प्रधानमंत्री शेख हसीना के आरोप इस क्षेत्र में व्यापक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को उजागर करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के साथ दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। सेंट मार्टिन पर प्रभाव प्राप्त करने से अमेरिका को चीनी गतिविधियों की निगरानी करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करने में रणनीतिक लाभ मिलेगा। हालांकि शेख हसीना का ये दावा है कि द्वीप में अमेरिकी रुचि के कारण उन्हें बाहर करने के प्रयास किए गए, बांग्लादेश की राजनीतिक बयानबाजी में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। ये बंगाल की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शक्तियों की जटिल
और अक्सर छिपी हुई चालों को रेखांकित करता है, जहां प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र है। सेंट मार्टिन द्वीप आकार में छोटा होते हुए भी दक्षिण एशिया और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र की भू राजनीति में महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है। इस द्वीप के महत्व को भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के हित द्वारा रेखांकित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक इस द्वीप को अपनी क्षेत्रीय रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखता है। जैसे जैसे बांग्लादेश इन जटिल गतिशीलताओं को पार कर रहा है, सेंट मार्टिन द्वीप का भविष्य गहन अंतर्राष्ट्रीय जांच और बहस का विषय बना रहेगा।